नमस्कार दोस्तों, अभी आप और हम देख रहे हैं AKS ऑटोमेशन का कैश काउंटिंग मशीन मॉडल ओवल। मिनिएचर साइज में कैश काउंटिंग मशीन है। पर्सनल टू आप बिजनेस यूज सभी जगह आप इसको यूज कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से आपको नोट प्लेस करना है और काउंटिंग शुरू हो जाएगी। टोटल पीसेस में काउंट कर देगी। LED डिस्प्ले के साथ एक नीट एंड क्लियर LED डिस्प्ले है, ठीक। UVMG सेंसर मिल जाता है, ऑटो मैनुअल का भी ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि आप नोट अभी प्लेस कर रहे हैं, काउंटिंग स्टार्ट हो जा रही है। अगर आप नए यूजर हैं, नोट रखने में हिचकिचाहट होती है, तो आप मैनुअल का यूज़ कर सकते हैं। ऑटो मैनुअल के बटन को प्रेस करेंगे, ऑटो ऑफ हो गया, यानी मैनुअल पे आ गई मशीन। तो इस कंडीशन में आप नोट आराम से रख लीजिए। देखिए, काउंटिंग स्टार्ट नहीं हुई। आप स्टार्ट बटन से आपको काउंटिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो नए यूजर्स के लिए फंक्शन मिल जाता है। बेसिक मशीनों में ये फंक्शन बहुत कम ही मिलता है। साथ में इसमें आप दोबारा ऑटो पे आ सकते हैं। अगर आपका हाथ सही है, आप रेगुलर यूज करते हैं, प्रैक्टिस है आपको, तो आप ऑटो पे आ सकते हैं। ऑटो में फास्ट काउंटिंग होती है। अब डिटेक्शन कैसे होता है, तो उसके लिए मैंने एक नकली नोट ले लिया है, डमी नोट है। अब इसको जैसे हम काउंटिंग के दौरान वो नोट पास होगा मशीन में से, मशीन स्टॉप हो जाएगी। इस तरीके से आपका अलार्म ब्लिंक करेगा, मशीन रुक रुक के बीप देगी। स्क्रीन पर आप एरर कोड दे सकते हैं। ये आपका नकली नोट है, इसको साइड करेंगे और काउंटिंग को कंप्लीट करेंगे। रियल नोट को ही काउंटिंग मिलेगी, 100 नोट बता देगी अभी आपको, ठीक है। रीचेक कर सकते हैं, ये 100 नोट है, नकली नोट को गिनती में नहीं लिया। लेकिन कई बार होता है आपके पास बहुत कंडीशन ख़राब नोट आते हैं। ये UVMG सेंसर जो होते हैं आपके, जो ये थ्रेड लाइट होती है और मैग्नेटिक लाइन होती है, उसी के बेस पे डिटेक्शन होता है। लेकिन कई बार कंडीशन होती है, नोट बहुत गले होते हैं, 10-10 के 20-20 के आपने नोट देखे होंगे, जिनकी कंडीशन बहुत ख़राब होती है। तो मशीन के सेंसर में अगर वो सिक्योरिटी फीचर नहीं मिलेंगे, तो मशीन उसको भी नकली करार देगी। लेकिन अगर आपको सिर्फ काउंटिंग करनी है, या आप चाहते हैं कि कोई रुकावट ना हो, तो MG और UV को बंद कर दीजिए। तो आप देखिए, आपका कोई डिटेक्शन फीचर काम नहीं करेगा, पूरे 101 पीस काउंट कर देगी, ठीक। लेकिन जब भी आप बड़े नोट काउंट करते हैं, तो इन सेंसर को मस्ट है कि आप ऑन रखें, ताकि आपका नकली नोट से बचाव हो सके। नकली नोट आते ही मशीन रुक जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप रोक सकते हैं। आगे की काउंटिंग को कंप्लीट करते हैं स्टार्ट बटन से। अब आ जाते हैं बैच फंक्शन में। अब मान लीजिए मुझे इस गड्डी में से 50 नोट निकालने हैं, तो मैं बैच प्रेस करूँगा, ठीक है। बैच, जैसे ही बैच प्रेस किया, यहाँ 100 का बैच आ रहा है, क्योंकि 100 की गड्डी बनती है 100-100 की। लेकिन अभी हमें 50 चाहिए, तो हम दोबारा बैच प्रेस करेंगे 50। अगर इससे कम चाहिए, 20 जाएंगे, 10 जाएंगे, और भी कोई बीच का अमाउंट का बनाना, तो आप प्लस के इस्तेमाल से और माइनस के इस्तेमाल से सेट कर सकते हैं। बाकी हमें 50 का बनाना, बैच से 50 पे डायरेक्ट आ जाते हैं। अब देखिए, 50 नोट काउंट होती है, मशीन स्टॉप हो गई, ठीक है। ये 50 नोट अलग हो गए, छांट लिए हमने, और जैसे ही हटाएंगे, तो आगे 50 आ जाएंगे। इसके बाद इसमें ऐड का फंक्शन होता है। जब आप कंटिन्यूअस काउंटिंग कर रहे हो, तो ऐड का इस्तेमाल करेंगे। बैच क्लोज कर दिया हमने, ऐड एक्टिवेट किया। ऐड एक्टिवेट होने पे क्या है, आपका जितनी बार भी आप प्रेस करेंगे, यहाँ पे सम होता जाएगा। ऊपर आपकी करंट काउंटिंग चल रही है, अभी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो दोनों करंट ही दिखाएगा। ये 100 हो गए, आप दोबारा नोट को प्लेस करेंगे, तो इसमें सम होता जाएगा और यहाँ करंट काउंटिंग चलेगी। तो इसमें आपको कंटिन्यूस काउंटिंग कर सकते हैं, आपको बार बार नोटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। वंस अगेन देख लीजिए, 300 हो जाएगा। आई होप वीडियो आपको क्लियर समझ आ गया हो। पूरी मशीन में यही फंक्शन है, कोई भी इजीली ऑपरेट कर सकता है। मशीन खरीदने के लिए इन नंबरों पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारे एड्रेस पे भी आ सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया आप कहीं से भी मंगा सकते हैं। लेटेस्ट प्राइस के लिए आप व्हाट्सअप कीजिए या कॉल कीजिए इन्हीं नंबरों पे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मैं AKS ऑटोमेशन से अविनाश सिंह।